एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.3 के हम अटेम्प्ट करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 9 to 16। प्रीवियस वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप प्रीवियस वीडियो से हर एक्सरसाइज का और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं। देर इज ए बेसिक वीडियो इज ऑल्सो देयर, फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द आइडेंटिटीज ऑफ दिस चैप्टर, इसकी आइडेंटिटी अटेम्प्ट कर सकते हो और कैसे हमें क्वेश्चन पे अप्लाई करना है ये भी आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 12.3 एंड वीडियो नंबर 4। तो इसमें 9 में कहता है कि ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर है, ओडी द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ओडी स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है और OA आपके पास क्या है 7 है, OA हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, therefore डायमीटर क्या हो जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो OA आपके पास किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ओके, तो यहां से आपके पास रेडियस क्या हो जाती है, रेडियस है हमारे पास, रेडियस हो जाती है 7 सेंटीमीटर। और फिर हमें कहते हैं सैडेड रीजन निकालना है। स्टूडेंट्स आप इधर देख रहे हो, देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेक्टर है यानी क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में से इसका रीजन निकालना है यानी सेगमेंट का रीजन निकालना है। तो इस सेगमेंट का रीजन कैसे करेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, या और भी सिंपल कर सकते हैं हम, सेडेड रीजन बिल्कुल सिंपल है, ये सेमी सर्कल है आपके पास, तो सेमी सर्कल में से क्या माइनस करते हैं, इस ट्रायंगल को माइनस करते हैं, ए सी बी का रीजन ये दोनों रह जाएगा, तो ये ज्यादा सिंपल रहेगा। इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, क्या लिखा आपने, एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, सेडेड रीजन, और सेडेड रीजन का हम एरिया क्या ऐड करेंगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ए बी सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, क्या किया है, सेमी सर्कल में से ए बी सी का एरिया माइनस कर देंगे, और क्या, और सेमी सर्कल का, सॉरी सर्कल का क्या कर रहे हैं प्लस, तो यहां सर्कल की रेडियस क्या आएगी, यहां सर्कल की रेडियस आएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपके पास क्या बनेगा, इस बड़े सर्कल के रेडियस बनेगा, और यहां रेडियस को कह देते हैं हम कैपिटल आर और यहां कह देते हैं स्मॉल आर, और एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एबीसी ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस आपके पास क्या है, सर्कल का डायमीटर है, और हाइट आपके पास क्या है, इसकी रेडियस है यानी 7 है, 2 7 14, यहां से वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर आपके पास इनर सर्कल की रेडियस है, दैट इज 7/2 7/2, यहां से पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 × 7 और हाफ, ये वाला हाफ इधर राइट कर लेते हैं, माइनस यहां आएगा 49, तो यहां से 2 से 11 और 1 7 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल कर रहा है 77, और 77 में से हम क्या करते हैं 49 को माइनस कर देते हैं, तो यहां रह जाएगा आपके पास 28, यहां भी 7, 2 से इधर भी आपके पास क्या आएगा 11 आएगा, यहां आ जाता है 77/2, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 77 प्लस यहां हो जाएगा 56, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 133/2 और इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 66.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखो आप यहां से सेगमेंट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई के भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल रहता, इस इनर सर्कल का निकाला हमने और इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये आपके पास दोनों सेगमेंट रह जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में है द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, इसका एरिया आपको गिवन है, एरिया आपके पास क्या है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। फिर कहता है प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर लिया और इसका हाफ लेंथ का हाफ लिया, रेडियस क्या है आपके पास, साइड का हाफ, साइड का हाफ रेडियस है, फिर आपने सभी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। अब आपको वो रीजन बताना है जो यहां इंक्लूड नहीं होता है, जहां पाई को 3.14 लेना है और रूट 7 की वैल्यू आपको ये राइट करनी है, तो हमें बताया अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया यानी 173.20.5। यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है एबीसी का, यानी एरिया ट्रायंगल एबीसी, ये आपके पास एरिया है। यहां एरिया की आइडेंटिटी लिखी इक्विलेटरल ट्रायंगल की रूट थ्री, तो यहां क्या आएगा विद साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 173.20.5/10। और ये देखा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल भी, फोर मल्टीप्लाई में और रूट थ्री डिवाइड में। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा साइड स्क्वायर, यह आएगा 173.20.5/10 मल्टीप्लाई फोर, रूट थ्री की वैल्यू गिवन है 173.20.5। देखो डेसिमल यहां था और डेसिमल के बाद डिजिट क्या हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो इसकी जीरो ऊपर लगा देते हैं हम, ये तो वन पे कैंसिल और एक जीरो कैंसिल आउट, यहां रह जाता 40,000 और 40,000 किसका होल स्क्वायर है 20 का होल स्क्वायर है और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो साइड की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है 200 सेंटीमीटर। लेकिन साइड में हमें क्या चाहिए रेडियस, तो रेडियस क्या आएगा स्टूडेंट्स, रेडियस आएगा इसका हाफ, क्योंकि रेडियस में क्या कहा था साइड का हाफ है, तो रेडियस आपके पास रहता है। और सेकंड रीजन क्या आएगा, इस ट्राइंगल के एरिया में से हम तीनों सेक्टर माइनस कर दें यानी 1, 2 और 3, तो एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया एबीसी माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 सेक्टर। क्या किया एबीसी के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, और एबीसी का एरिया क्या है 173.20.5 है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है, एंगल होता है हमारे पास 60 डिग्री का, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, 173.20.5, पाई को क्या रखना आपको पाई रखना है 3.14, डेसिमल हटा दिया क्योंकि गिवन था, आर स्क्वायर क्या है 100 है, 100 निकाला हमने, थीटा आपके पास क्या है 60 डिवाइड बाय 360, 100 तो आपका कैंसिल आउट, 10 से 10 6 बन जा एंड 6 से 6 जा, और इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 2 से 3 जा और 2 से 157, और आपके पास इस टोटल को हम क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और यहां से वैल्यू आपके पास आएगी, इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है स्टूडेंट्स, यानी 173.20.5 - 15700/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो रीजन आएगा जो आपका सेडेड है, क्या किया गिवन एरिया से साइड निकाली, रेडियस साइड का हाफ, इस टोटल ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर माइनस कर दिए, सेक्टर कैसे निकाला एक सेक्टर का निकाल के हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, एक सेकंड यहां हमें किससे मल्टीप्लाई करना था 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा इसमें 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये सिर्फ यही वैल्यू रहेगी आपके पास। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, बोला गया है भी एक हैंडकरचीफ है रुमाल जो स्क्वायर के टाइप का है, 9 सर्कुलर डिजाइन है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, प्रत्येक की रेडियस आपके पास क्या है 7 सेंटीमीटर है, आपको वो रीजन बताना है जो इन डिजाइन में शामिल नहीं है, तो कहने का क्या है ये वो डिजाइन है, देखो इधर वाला, ओके ये वो डिजाइन है जो इनमें शामिल नहीं है, तो ये डिजाइन बताना है आपको, तो ये डिजाइन कैसे आएगा इस टोटल स्क्वायर शेप में से 9 डिजाइन का एरिया क्या करके हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले यहां पे रेडियस क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या आएगा, क्या आएगा डबल हो जाएगा 14, और स्क्वायर की साइड क्या आएगी भी देखो आपके पास 1 डायमीटर 2 डायमीटर 3 डायमीटर, इसमें कितने डायमीटर हैं 3, और साइड क्या हो जाएगी आपके पास 14 3 जा ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर
मीटर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या वो एरिया जो इस सर्कल में शामिल नहीं है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन सर्कल। तो एबीसीडी का एरिया क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, और 9 इंटू वन सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। साइड की वैल्यू क्या है आपके पास, 42 मल्टीप्लाई 42, 9 इंटू पाई 22 बाई 7, और रेडियस क्या है आपके पास 7, यहां आएगा 1768 6, और ये हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा वो पोर्शन जो हैंडकरचीफ की सर्कल में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है आपके पास एक क्वाड्रेंट है जहां ये ओ बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और डी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट पार्ट में बताना है इस क्वाड्रेंट का रीजन क्या आएगा और सेकंड में बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा है, ओ बी सी ए, ये आएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22 बाई सेवन, रेडियस आपके पास क्या 3.5, यानी बाई में क्या डेसिमल टाइम, तो बाई में क्या आएगा 10 आएगा। ओके 7 5 35, 5 2 10 एंड 2 से आपके पास क्या आएगा 11। ओके तो यहां से वैल्यू और आप सिंपलीफाई करो, 5 2 10 एंड 5 7, तो यहां से वैल्यू हो जाती है 77 एंड डिवाइडेड बाई 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपके पास क्या आएगा, क्वाड्रेंट में से क्या माइनस करते हैं ट्रायंगल, यानी ओ बी सी ए माइनस ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी, और यहां से वैल्यू आपके पास आ जाती है 77/8 और ओ बी डी का आएगा 1/2 बेस यानी 3.5 इंटू हाइट, हाइट आपके पास क्या है 2 है, तो यहां तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 2 जा एंड 5 7 जा, दोनों कैंसिल क्या आएगा 8, ये हो जाएगा 77, 2 4 जा एंड 7 4 जा 28 आएगा स्टूडेंट्स 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला था, क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था, सेकंड में हमने क्या निकाला है शेडेड रीजन, तो क्वाड्रेंट में से क्या माइनस किया आपने ट्रायंगल का एरिया। ओके नेक्स्ट कहते हैं स्क्वायर, आपके पास एक क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर बना हुआ है जहां स्क्वायर की साइड आपको गिवन है, आपको शेडेड रीजन बताना है, तो हमें पता है डायगनल आपके पास जो इस स्क्वायर का डायगनल है वो आपके पास क्या बनेगा, वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट की रेडियस, यानी रेडियस इज इक्वल टू डायगनल, डायगनल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगनल होता है साइड रूट टू, तो डायगनल यानी क्या आ गया आपके पास रेडियस, साइड की वैल्यू आपके पास क्या है, साइड हमारे पास है 20 सेंटीमीटर यानी 20√2 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या जाती है रेडियस आ जाती है। नाउ शेडेड रीजन आपको निकालना है, नाउ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन क्या आएगा, यह आएगा आपके पास क्वाड्रेंट यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर, यानी क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर दें, पाई से आपके पास हो जाएगा पाई 3.14, डेसिमल हटाएं तो आपके पास 100 यानी 400 इंटू रेडियस का स्क्वायर 20√2 इंटू 20√2। ओके माइनस साइड स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यहां से आपके पास 1020 1020 2 to the 4 से आपका 4 कैंसिल आउट, और √2 × √2 क्या आएगा आपके पास 2, ये 2 से मल्टीप्लाई 628 माइनस 400 ये हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये आपके पास क्या है, एक सेक्टर है जहां आपके पास शेडेड रीजन आपको निकालना है, जहां रेडियस आपके पास आउटर रेडियस आपके पास कितनी है 21 सेंटीमीटर, इनर रेडियस आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर,
थीटा दोनों में सेम है और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, सैडेड रीजन भी क्या आएगा, सैडेड रीजन, सैडेड रीजन आएगा आपके पास एरिया ऑफ आउटर सेक्टर, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर। तो आउटर सेक्टर में पाई आर, कैपिटल आर है यहां आप स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, यहां पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, क्या कॉमन है पाई थीटा डिवाइड बाई 360 कॉमन, यहां आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई 22/7, थीटा की वैल्यू आपके पास है 30 डिवाइड बाई 360 और आर स्क्वायर आपके पास 21 का स्क्वायर 441 और आर आपके पास 7 है, ये आएगा 49 आएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आएगी 12, 2 6 2 से क्या आएगा 11, यानी 11 × 7 डिवाइड बाई 7 × 6 और यहां से हम क्या कर लेते हैं सिंपलीफाई, ये आएगा 392 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 × 7 = 35 and 7 = 42, 6 से तो ये आपके पास डायरेक्ट कटेगा नहीं, 2 से काट देते 2 3 and 2 से आएगा 2 2 4, 2 8 28 की 11 की मल्टीप्लाई, 11 8 88, 11 2 22 and 8 30 और ये आएगा 3 cm स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा सैडेड रीजन आ जाएगा। सिंपलीफिकेशन की है जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ही था। ओके नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं 15 में आपके पास है कहते हैं ट्राइंगल एबीसी, एक आपके पास क्या है ट्राइंगल है जिसकी साइड आपके पास है, ये आपके पास एबीसी एक सेक्टर है जिसकी या क्वाड्रेंट है जिसकी साइड आपको 14 गिवन है, ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, आपको सैडेड रीजन बताना है। तो सैडेड रीजन हम सबसे पहले राइट करते हैं कि व्हाट इज द सैडेड रीजन, सैडेड रीजन तो यहां आपके पास क्या आएगा सैडेड रीजन, सैडेड रीजन में क्या करते हैं देखो, सबसे पहले एक बार तो जो ए बी सी के अलावा जो सेमी सर्कल है उसमें ट्राइंगल को प्लस कर दें और ये सेक्टर माइनस कर देते हैं। दोबारा देख लो एक बार क्या बता रहे हैं हम कि ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल में ट्राइंगल को प्लस कर दें टोटल रीजन हो जाएगा और इस सेक्टर को माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा सैडेड रीजन। ओके तो यहां से क्या गया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी प्लस एरिया ट्राइंगल ए बी सी, भी एबीसी का प्लस कर दिया सेमी सर्कल में, माइनस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी सेक्टर, एरिया सेक्टर एबीसी, एबीसी से जो सेक्टर बना है उसका एरिया माइनस कर दे, या पहले आप ऐसे कर लो इस सेगमेंट का एरिया निकाल लो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करके फिर सेमी सर्कल में से वो सेगमेंट माइनस कर लो, बात वही है आपकी। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास 14 cm, तो आपके पास सेमी सर्कल की रेडियस क्या आएगी, इसको रेडियस को कह देते हैं हम कैपिटल आर, और सेमी सर्कल की रेडियस के लिए क्या करेंगे हम, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लें, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्मॉल आर राइट लेते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 14² + 14 हो जाएगा 2 × 14² ओके 2 × 14² और यहां से आपके पास रेडियस क्या आएगी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी 14√, ये आपके पास किसकी रेडियस आएगी, ये आपके पास सेमी सर्कल की रेडियस आएगी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एरिया ऑफ एबीसी यानी 1/2 बेस इनटू हाइट, ओके माइनस एरिया ऑफ ए सॉरी ये आपके पास एरिया एबीसी ट्राइंगल था ठीक है, ये सेक्टर है तो सेक्टर में क्या करें हम पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास सेमी सर्कल की क्या है, सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी सॉरी ये इसका हाइपोटेन्यूज रहेगा यानी इसका डायमीटर, सेमी सर्कल की रेडियस आपके पास क्या आएगी 7 यानी 7√2 आएगी, ये आपके पास रेडियस आ जाएगी सेमी सर्कल की, सॉरी यहां का ऐड कर देते हैं 7√2 क्योंकि टोटल आएगा 14√2, 7√2 × 7√2 और बाई में आपके पास क्या है ये 2 है प्लस
वन बाय टू बेस, बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, ये सेक्टर में रेडियस कितनी है आपके पास है 14 है, 14 थीटा आपके पास क्या है 90 डिवाइड बाय 360, 91 94, यहां सेक्टर की रेडियस 14, यहां रेडियस 7√2, ओके। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आएगी 19 4 7 2 14, 2 2 4 और 2 से आपके पास क्या जाएगा 7, यहां आ जाएगा -154, यहां से वैल्यू करते हैं 2 7 जाओ, यहां आएगा 98 प्लस, यहां से वैल्यू करेंगे देखो √2 × √2 क्या आएगा 2 आएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल, 1 7 कैंसिल, यहां हो जाएगा 154 से 154 ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर देते हैं, यहाँ 14 है, यहाँ 14 इसका हाइपोटेन्यूज निकाला, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा आपके पास 14√2 और इसका रेडियस हाफ हो जाएगा दैट इज 7√2। फिर हमने क्या किया है सेमी सर्कल या सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल और माइनस सेक्टर, ये आपने कंडीशन अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, कहते हुए एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, ये डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन को आपको क्या बताना है एरिया बताना है। तो साइड आपके पास क्या है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ एक छोटा सा डिजाइन बना भी देते हैं हम, ये आपके पास है ऐसे ही, यहाँ है आपके पास, ये आपके पास है। तो ऐसा करते हैं यदि दोनों सेक्टर का एरिया प्लस करेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा आपके पास 2 टाइम्स, यानी एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, सेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या आएगा 2 × एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। इधर से सेक्टर निकाला आपने 1, इधर से सेक्टर निकाला 2, तो ये रीजन कितने टाइम्स है आपके पास 2 टाइम्स, और टोटल माइनस कर देते हैं तो आपके पास सेडेड रह जाएगा, तो 2i ऑफ ये आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, सेक्टर है आपके पास, क्वाड्रेंट है आपके पास, 90/360 करो नो प्रॉब्लम, साइड मल्टीप्लाई साइड, यहां आपके पास ये 2 × 4, पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7 इंटू आपके पास ये 1/2, रेडियस आपके पास क्या है 8 × 8 और साइड भी आपके पास क्या है स्क्वायर की 8 आएगी, तो यहां से वैल्यू आपके पास आएगी 11, ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन आएगा 88 मतलब क्या है 8 × 8 = 64, यहां से आ जाता है 11/7 - 1 यानी 64 इंटू 7 क्या आएगा एलसीएम आएगा 7 माइनस कर दें यानी क्या आएगा 4/7 और ये हो जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें हमने किया कि सेक्टर 1 टाइम्स इधर से 1 टाइम्स इधर से 2i सेक्टर और माइनस ए बी सी डी यानी ये आपने स्क्वायर माइनस कर दिया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये 12.3 दो वीडियो लेक्चर में कंप्लीट की है, वीडियो लेक्चर नंबर 3 एंड वीडियो लेक्चर नंबर 4, ओके। तो सभी को उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी अपने क्वेश्चंस के डाउट इजी वे से ले सकते हैं, देयर इज अ कमेंट बॉक्स इन योर एट द लास्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो दैट यू कैन यूज इट एंड टेक योर सॉल्यूशन इन ए वेरी इजी वे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।